मैं ऋषभ शुक्ला, आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कानपुर के ऐसा शहर जो कि घंटाघर पे आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने आप में। घंटाघर की अनोखी चाय, यहाँ की अनोखी दुनिया और यहाँ का अनोखा और ये अद्भुत रेलवे स्टेशन जो कि कानपुर की खूब बड़ी चौड़ी मस्ती पे लहराता ये तिरंगा, जिसपे कि एक ये साक्ष्य भी यहाँ पे है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाय की दुकानें और ठेले वगैरह लगते थे, जिसको कि यहाँ पे यात्रियों को निकलने में बीती रात काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। इसके साक्ष्य आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो टेबल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जिसको कि साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पे चाय के ठेले और अंडे की दुकानें यहाँ पे लगा करती थी, जिसको कि यात्रियों को निकलने में दिक्कत होती थी, काफ़ी ज़्यादा जाम का सामना भी करना पड़ता था यहाँ पे। और जो रही बात ऑटो की और ई रिक्शा चालकों की, तो इनकी वगैरह इनके ठेलों के वगैरह से जिनके ठेलों में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती थी, उनके ठेलों के वगैरह से यहाँ पे अत्यधिक जाम बना रहता था। जिस बात को मद्देनजर रखते हुए कानपुर के GRPA जो मध्य रेलवे का जो एक चौथाई भाग है, उसने यहाँ पे कार्रवाई करते हुए आज प्रातःकाल सुबह ही यहाँ पे अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसपे कि जबकि यहाँ के जितने ठेले और इतना ही नहीं अंदर के जो भी दुकानें जहाँ जहाँ लगती थी वहाँ वहाँ की दुकानों को उन्होंने हटवाया, जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा बहसबाजियाँ भी हुई, कुछ मुद्दे भी छिड़े, बहुत सी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई। ऐसे तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला, वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप त्रिवेदी जी के साथ, घंटाघर कानपुर, उत्तर प्रदेश।